वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आज की वीडियो इस चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब ये वीडियो कम्प्लीटली फ्री मेंटोरशिप के ऊपर है। अब ये फ्री मेंटोरशिप का क्या मतलब मैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मेंटोरशिप का बैच मैं करता हूँ, हर महीने में करता हूँ, बट आने वाले टाइम में नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद दो बैच और आएंगे। जून बैच में अभी रिसेंटली हमारा एक बैच आया है, इसके बाद दो बैच और आएंगे। उसके बाद YouTube पे ही मैं पूरी मेंटोरशिप YouTube पे ही करूंगा। और वो कैसे करूंगा वही मैंने प्लान किया हुआ है, जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये पूरी मेंटोरशिप मैं कवर करूंगा। आज आपका 6 जून है और इस वीकेंड से मैं आपको डेट बता देता हूँ। ओके 10th ऑफ जून से मैं स्टार्ट करूंगा काम करना इस पे। 10th ऑफ जून से मैं इस पे काम करना स्टार्ट करूंगा। तो इसमें क्या क्या चीजें आप लोग सीखेंगे और इसको कैसे हम लोग करेंगे वो मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। ये क्वेश्चंस मैं पिन कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको इन सारे क्वेश्चंस पे रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई कैसे करना है देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा कैपिटल। तो ये कैपिटल के आगे आपको लिखना है कि कितने कैपिटल के साथ आपको ट्रेडिंग करना है। या देखिए अगर आप बहुत ज्यादा कैपिटल है या बहुत कम, ऐसा मत लिखिएगा। जो जेन्युइन कैपिटल के साथ आपको ट्रेड करना है वही लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको, मंथली, वीकली, इंट्राडे और उसके बाद एल्गो। तो अब इसमें आपको यस नो पे टिक करना है। मतलब आप कमेंट सेक्शन में ये जो पूरा कमेंट है मैं इसको पिन कर दूंगा, आपको ये पूरा कमेंट कॉपी करके रिप्लाई करना है। इसमें मंथली में अगर आपको मंथली स्ट्रैटेजी चाहिए तो यस कर दीजिए, वीकली स्ट्रैटेजी चाहिए तो यस कर दीजिए, इंट्राडे नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए, चाहिए तो यस कर दीजिए। एल्गो ट्रेडिंग, आपको पता है कि मैं 4-5 महीने से एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए वो भी पूरा पाइथन कोड के साथ, कि आपको ब्रोकर के आपके जो भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म उसमें इंटीग्रेट करके, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग भी सीखना है ट्रेडिंग प्लस के प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग भी सीखना है तो आप उसके आगे यस और नो लिख दीजिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है। अगर ये इंटरेस्टेड है तो यस लिख दीजिए, इंटरेस्टेड नहीं है तो नो लिख दीजिए। लेकिन आप जो भी इसमें अपना आंसर देंगे वो बिल्कुल जेन्युइन दीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट 2 डेज जितने भी लोगों के कमेंट आएंगे वो मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा इसमें, और उसी हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि जो मैं ये नेक्स्ट 12-13 दिन में ये मेंटोरशिप को कवर करूंगा। मतलब 20 जून तक मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा 28 जून तक। तो जो भी मैं इसमें डिसाइड करूंगा जिस तरह से भी मुझे ये मेंटोरशिप करना है वो आपके कमेंट के बेसिस पे ही होगा। तो जो भी कमेंट आप इसमें करिएगा वो बिल्कुल जेन्युइन करिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा। और मैं नेक्स्ट 2 डेज तक में जो भी कमेंट्स आएंगे मैं उन्हीं सारे कमेंट्स के ऊपर काम करूंगा, राइट। तो ये पूरी डिटेल्स है। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वो चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको उसी चैनल पे ही मिलेंगी। वो जो टेलीग्राम चैनल उसी का अपडेट मिलेंगी, तो आप उस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, राइट। अब देखिए ये तो पूरी डिटेल हो गई कि आपको इस चैनल पे नेक्स्ट 10-15 दिन में आपको क्या सीखने को मिलेगा, और ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट 5-6 वीडियोज में कवर करूंगा। मुझे लगता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 7 वीडियोस मुझे लगता है कि लगेंगी ये पूरे मेंटोरशिप को कवर करने में। तो 7 वीडियोस में मैं इस पूरे मेंटोरशिप को कवर करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितना, अच्छा एक चीज और आपको बताना है कि अपने क्या जेन्युइन रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। क्योंकि मैं जिस हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ मेरे लिए जो रिटर्न एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ वो अलग हो सकता है, आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अलग हो सकता है। तो मुझे ये भी समझना है कि कितना रिटर्न, मतलब कितने रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे वो मेंटोरशिप को काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से ये जो सारी स्ट्रेटेजी वीडियो वो बनानी होगी। तो जो भी आपका जेन्युइन रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए आने वाले 10-15 दिन में मैं भी काफी मेहनत करूंगा इस चैनल पे। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए ये तो हो गई सारा मेंटोरशिप की डिटेल्स। अब मैं आपको ये जो हमारा वीकली ट्रेड चल रहा है, वीकली ट्रेड हमने कल लिया हुआ था, उसकी मैं आपको बस 2 मिनट में सारी डिटेल्स दे देता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स दे देता हूँ कि आपको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है नेक्स्ट 2 डेज में, राइट। आज ट्यूजडे हो चुका है, वेडनेसडे और थर्सडे को आपको किस तरह से इस ट्रेड को मैनेज करना है उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए देखिए आपको यहाँ पे बहुत परफेक्ट रेंज मिलेगी, और परफेक्ट रेंज कहने का मेरा क्या मतलब है आप वो समझ लीजिए।
ऊपर की तरफ आपको क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखिए ऑल टाइम हाई आपका क्या है ऊपर की तरफ 44,500 आपका ऑल टाइम हाई है। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ आपकी क्या रेंज है 43,700। अब देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है NR7 करके, NR4 और NR7 करके एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो मार्केट काफी लंबे टाइम से, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 दिन का दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक तो ये रेंज आपको दिखेगी, ये वाली रेंज, उसके बाद मार्केट में ये ब्रेकआउट आया, तो इस रेंज को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आया उसके बाद से फिर से मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो फिर से मार्केट अभी भी ब्रेकआउट करने के बाद भी NR7 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने डेली कैंडल लगाया हुआ है, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, और हो सकता है कि अभी ऊपर की तरफ और नीचे की दिन कुछ दिन मार्केट और कंसोलिडेट करे, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए जब मैं इस ट्रेड पर्टिकुलर ट्रेड की बात कर रहा हूँ तो मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट 2 डेज भी अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप अपनी रेंज देखेंगे तो 44,400 की रेंज है, 450 के आसपास की रेंज है, नीचे की तरफ 43,800 की रेंज है। तो चार्ट के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर या नीचे कहीं पे भी जाता है तो हमें हार्डली सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना है, वो एडजस्टमेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपने अगर आप रेंज देखेंगे तो 44,400 समथिंग की रेंज है, तो जब भी मार्केट 44,350 के आसपास जाए, जब भी मार्केट 44,350 को क्रॉस करे, मतलब ये वाली जो रेड कैंडल है ना, ये वाली जो रेड कैंडल है इसका हाई क्रॉस करेगा, आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये वाले जो दो कॉल लेंगे, ये वाले, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों कॉल को क्लोज करके 44,500 पे शिफ्ट कर देना है। सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट करना है आपको कल या परसों, अगर कल कोई एडजस्टमेंट आता है तब के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग सेशन है और 2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से आपके पास रेंज अभी ठीक ठाक है। अगर मार्केट नीचे जाता है, और नीचे कितना जाता है यहाँ पे आप देखेंगे, तो मार्केट सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि 44,000 को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा ऑन द डाउन साइड, 44,000 को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा, जो कि आज का डे लो, मतलब जो आज का डे लो बना है उसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो पुट कैलेंडर के दो लेग हैं इन दोनों को शिफ्ट करके 44,700 पे शिफ्ट, सॉरी 43,700 पे शिफ्ट कर देना है। सिर्फ ये ही एडजस्टमेंट करना है आपको, इसके बाद आपका ये पूरा ट्रेड सेफ हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एक काफी अच्छी रेंज होगी, सो दैट कि आप इवन जो कि हम लोग टारगेट करते हैं कि 1200 से 1500 के बीच में आपको प्रॉफिट मिल जाए। यहाँ पे आपका जो कैपिटल लग रहा है ये देखिए, तो ये आपका लगभग 50,000 इस पे दिखा रहा है, बट एक्चुअली में आपका 60,000 के आसपास कुछ लगा होगा। 60,000 में अगर आप कुछ 1200-1300 रुपए के आसपास का प्रॉफिट करते हैं तो विच इज आपका 1% 1.5% के आसपास का रिटर्न होता है। अगर 1200 रुपए आप टारगेट कर रहे हैं 60,000 की कैपिटल पे, तो विच इज आपका 2% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे मैं पूरे एक ट्रेड को लगभग 1 लाख रुपीज लेता हूँ, तो 1 लाख रुपीज पे अगर आप 1500 के आसपास का प्रॉफिट करते हैं तो आपका 1.5% का रिटर्न एक हफ्ते में बनता है। इसके अलावा भी देखिए सिर्फ यही एक स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मैं मंडे को हम लोग इनिशिएट करते हैं और वेंसडे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वेंसडे को क्लोज कर देते हैं, तो आप सेम कैपिटल से फ्राइडे के दिन भी ट्रेड कर सकते हैं, सेम कैपिटल से आप मंडे को भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड हम लोग मंडे को डे एंड में इनिशिएट करते हैं, और विद सेम कैपिटल आप एक्सपायरी डे के दिन भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो 3-4 स्ट्रैटेजी के कॉम्बिनेशन में अगर आप करेंगे तो आपका जो एवरेज रिटर्न है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लीजिए, मैं जरूर से आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।